प्रपाचयान्ति प्रसह नरसप्रदः। सामने से कुबड़ी को देखा, चंदन घिस करके कंस को लगाने के लिए ले जाते। कन्हैया ने कहा, सुंदरी, अरे ओ सुंदरी, मुड़ करके देखा, श्याम सुंदर की ओर को देखती रह गई। कन्हैया ने कहा, मैंने तुम्हीं से कहा, क्या हमें चंदन दोगी? कुबड़ी ने कहा, मेरा ऐसा बड़ा भाग्य जो मैं आपको चंदन लगा सकूं। श्याम सुंदर पहुंचे, उनके चंदन लगाया। कन्हैया ने जैसे चंदन लगवाया, बलदाऊ कहने लगे, कन्हैया ये टेढ़ी है और तू अब टेढ़ हो, तेरी जोड़ी खूब बनेगी। कुबड़ी शर्माती है, जपो करे डहरोरी सहकारी कामर बारे ने, हो पारी कामर बारे ने पीरी पिता पर बारे ने, हो जपारी कामर बारे ने पीरी पिता पर बारे ने, कहते पीरी पिताम्बर
श्याम सुन एक हाथ डोरी से लगा करके झटका दिया, श्याम सुंदर का दुपट्टा पकड़ लिया और कहा, कहां जा रहे हैं आप? मुझे वचन देते जाएं कि मेरे घर जरूर आए। श्याम सुंदर ने कहा, हम और कहां जाएंगे, मथुरा में तो हम किसी को जानते ही नहीं है, बस अपना काम करके हम तुम्हारे पास ही आएंगे। वचन देकर के श्याम सुंदर आगे चले जाते हैं और धनुष यज्ञ साला है उसमें जाते हैं। श्याम सुंदर ने धनुष को देखा, कहा, पहरेदारों से कहा हम इसे उठा सकते हैं। पहरेदार हंसने लगे, ये कोई बालकों का खिलौना नहीं है कि तुम उठाओ। एक कहने लगे, उठाओ उठाओ, देखे तो सही उठा लेगा क्या, ये बच्चों का खिलौना है। श्याम सुंदर ने उठा करके और उस धनुष को तोड़ दिया। जैसे ही उनको मालूम पड़ा, अरे इन्होंने तो धनुष को तोड़ दिया, सब दौड़ करके आए। श्याम सुंदर बलदाव ने सबको मार डाला। कंस को मालूम हुआ कि धनुष टूट गया और ये कंस को वरदान था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा बस तेरी वही गर्दन मरोड़ेगा। अब धनुष टूट गया, अब तो कंस घबराने लगा कि अब वरदान है, जो धनुष को तोड़ेगा वही मुझे मारेगा। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, अब इनका इंतजाम जल्दी करो, ये मरने चाहिए दोनों। कंस ने सवेरे यज्ञशाला में आने का प्रबंध उन्होंने किया, द्वार पर गोली पीड़ हाथी को रखा और अंदर बड़े बड़े पहलवानों को रखा। जैसे श्याम सुंदर रंग भूमि में जाते हैं, दरवाजे पर कुवलिया पीड़ हाथी को देखा, हाथी को मदरा पिला करके छोड़ा, भगवान को मारने के लिए आया। श्याम सुंदर ने हाथी का वध किया, दोनों ने उसके दोनों दांत उखाड़ करके हाथ में लेकर के आगे गए। जैसे ही सभा में पहुंचे, श्याम सुंदर को देखा, तब किसी ने तो देखा कि ये मेरे प्रभु हैं, कोई देख रहा ये मेरे लाला हैं, कोई देख रहा ये मेरे भगवान हैं, कोई कह रहा ये बड़बड़े मल्ल हैं। राजा जिसके मन में जैसी भावना थी वो वैसा दिखाई दे रहा,
कंस को स्वयं अपना काल दिखाई दे रहा था। कहा गया है जाकी रहिए भावना जैसी, जाकी रहिए भावना जैसी, जाकी रहिए भावना जैसी। प्रभु मूरत दे, प्रभु मूरत दे, जाकी रहिए अंदर जाकर के सब अपने अपने भावों से देख रहे। कंस को जाकर के प्रणाम किया और कहा हे मामा श्री, हम आए हैं, हमारा स्वागत करो। तब तक चारू रहता है, चारू रो मुष्टक आते हैं और कहा हे कृष्ण, हमने सुना है कि तुम बड़े बलवान हो, तुमने बड़े बड़े असुरों को मारा। एक कहने लगा ये तो जंगल की बात है भैया, हाँ जंगल में वन में जाकर के मोर नचे कौन देखा है। अरे वो सामने करके बतावे तब है ना, ये सब दूर की बात है, ये हमारे सामने कुछ करके बतावे तब पता लगेगा। अरे ऐसे ही बलवान है, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कालिया नाग को नाथ दिया, बड़े बड़े बिन को मारा, किसको पता है। आओ हमारे सामने आओ, हमसे कुश्ती लड़ो तब पता चलेगा कैसे योद्धा है। श्याम सुंदर कहने लगे अरे चारूर, तुम्हारे देखा शर्म हटे के ना है, कितनो तुम्हारो हाथी जैसो शरीर, हम छोटे से बालक हैं, कुश्ती बराबरी के में होते, हमारी तुम्हारी क्या जोड़ी धो रही है। एक कहने लगो डर गए, हाँ तावे जो गोवर्धन पर्वत उठायो, अगासुर मारे हो, बकासुर मारे हो, वृत्तासुर मारो, वैसे ही वैसे। बलदाऊ कहने लगा कन्हैया अगर इनकी इच्छा है तो इन्हें भी बता दो। दोनों श्याम सुंदर बलराम चारूर और मुष्टक दोनों से भिड़े, और जैसे चारूर मुष्टक दोनों भिड़े, श्याम सुंदर में थाप लगाई। श्याम सुंदर ने कहा क्यों रे, कुश्ती ऐसे होती है थप्पड़ देने से, अगर थप्पड़ देने की बात है तो मैं बताता हूँ थप्पड़ कैसे लगता। एक दी जमा करके चाणूर में ऐसी दही खेच करके कि चाणूर चारों कोने चित्त हो गया, दूर चाट गया, और एक को बलराम ने उठा करके पटक दिया और मार डाला। मुष्टक को एक मुष्टक मारी, उसके प्राण पकड़ गए। जब जैसे ही दोनों को मार करके कंस के पास जाते हैं और कंस खड़ा होकर के अपने हाथ में तेगा लेकर के जैसे ही श्याम सुंदर को मारने के लिए हुआ, श्याम सुंदर में खड़क दिया, श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्याम सुंदर प्रकट होकर के उसके केश पकड़ लिए कंस के और उठा करके जमीन पर फेंक दिए। श्याम सुंदर कूद पड़े आए, केश पकड़ करके घसीटते हुए और नीचे लेकर के आए और कहा हे दोस्त, तूने मेरी माँ के केश पकड़े थे ना, तूने मेरी माँ के केश पकड़े, अब तेरे केस पकड़ करके मैं घसीटता हुआ अब तेरा अंत करूंगा। नीचे आकर के श्याम सुंदर ने ऐसी मुष्टिका जमाई कंस में और अपने इतना भार बढ़ा करके कंस की छाती पर इतना मुक्का दिया बैठ करके कि कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो बंसी वाले की।
जैसे कंस को मरा जान कंस के आठ भाई दौड़ करके आए और बलदाऊ ने कहा, कन्हैया तुम इनकी चिंता मत करो, उनके उनको मैं देखूंगा। बलदाऊ ने कंस के आठों भाइयों को मारा और मंत्रियों को लेकर के कारागृह में जा माता पिता को बंदी गृह में जाकर के देखा और कहा, इनकी बेड़ी खोल दो। देवकी ने देखा कौन है, वसुदेव ने कहा कौन है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान श्याम सुंदर जाकर के अपने माता पिता के पैरों को छूते। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथम वन्दनात् कृष्ण रामो भवदं ताते शिरसा स्पृश्य पादयो। माता पिता के चरणों में शीश नवाया और कहा, हे माँ हे पिताजी मुझे क्षमा करना, मेरे रहते हुए आपको इतने दुख झेलने पड़े। देवकी ने कहा, तुम कौन हो। कन्हैया ने कहा, मां मैं तेरा पुत्र आठवा कृष्ण। देवकी ने कहा, कृष्ण तू यहां क्यों आया है, जा भाग यहां से, अरे कंस को पता लग जाएगा, वो तो ये मार देगा, तू क्यों आया यार, भाग यहां से, चल आ जा, जा मेरे पुत्र जा, तू यहां क्यों आया है, मेरे भाई को पता लग जाएगा, वो तुझे मार डालेगा, तुझे पता है तेरे कितने भाई मार दिए। तब अक्रूर ने कहा, अब कंस नहीं आएगा, अब कंस नहीं आएगा, क्यों कि अब तुम्हें पता नहीं है कि आकाशवाणी ने क्या कहा कि कंस का आठ तुम्हारा आठवां पुत्र ही कंस को मारेगा। अब वो कंस मार दिया, अपने माता पिता के बंध को छुड़ाया और नाना को नारी को भी बंध से छुड़ाया, सबको बाहर निकाला, राजपाट पर उनको बिठाया, उग्रसेन को संसार में खुशी की लहर हुई, सब बधाई देने के लिए आए। धोली वृंदावन बिहारी लाल की, सब अपने अपने पूरे मथुरा में खुशी हुई, सब आए, चलो बधाई देवे, चलो श्याम ने पापी दीनो मारे, Thank you.
गुलाल जगत में है रे जय जयकार। इतने पापियों को मारा सब एक खुशी मनाई। भगवान बसदेव ने श्याम सुंदर को बलदेव को जनेऊ संस्कार यज्ञ भविष्य संस्कार करवाया और गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। उज्जैन में सांदीपनी के आश्रम पर गुरु पढ़ने के लिए जाते हैं और वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं। सुदामा नाम का मित्र वहां उन्हें मिलता है गुरुकुल में। जब शिक्षा पूरी होती है तब विदा होने को आती है। श्याम सुंदर ने कहा, गुरुदेव अब अपनी गुरुदक्षिणा ले रहे, अब हम जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, कृष्ण गुरु व्यापार नहीं करता। गुरु की दक्षिणा यही होती है कि शिष्य गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, बस यही उसी की दक्षिणा है। चेला वही होता है जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले। गुरु के बताए भाई मार्ग पर चले तो चेला है, नहीं चले तो काय को चेला है। संसार में परंतु सब स्वार्थ के लिए गुरु से बदे अंध करे लेखा एक न सुने एक नहीं थे। संसार में गुरु तो अंधा है, चेला बहरा है। गुरु को तो दिखाई नहीं देता कि चेला कैसा है और गुरु कछु कहवे तो चेला बेरो को सुनतो ना, मेरे काम कैसे बने।
ऐसा दुनिया में होता चला। गुरु माता से कहा, माता गुरु दक्षिणा दे। माता ने कहा, पुत्र मेरा पुत्र समुद्र के किनारे गया, समुद्र की लहरों में डूब करके मर गया। तुम आए, मैंने तुमको अपना पुत्र मान लिया, अब तुम जाने लगे, अब मैं किसके सारे रहूंगा। श्याम सुंदर बलदाऊ दोनों गए, समुद्र के पास गए। वहां एक दैत्य था, पांच जने शंख में, उसे मार करके शंख को लिया। कहा, मेरे पास भी नहीं है, फिर यमराज की संयमनी नगरी में जाते हैं, गुरु पुत्र को लेकर के आते हैं और गुरुदेव को सौंप दिया। गुरुदेव जी, आपका पुत्र पुनर्दत्त रहा। एक समुद्र के किनारे एक व्यक्ति के घर में भैंसा बना हुआ था, उसी के घर ये मिला। गुरुदेव समझ गए कि यमराज के यहां से लेकर के आए, पुत्र को देकर के। उधर श्याम सुंदर आते हैं, जरासंध की पुत्री अपने पति को मरा जान करके रोती है और अपने मायके जाती है। उधर श्याम सुंदर को आए, बहुत दिन हो गए। मथुरा में श्याम सुंदर रहते पढ़ करके आए। देवकी मैया श्याम सुंदर को भोजन कराती हैं। श्याम सुंदर रूठे रूठे से रहते हैं और किसी से बोलते चालते नहीं। देवकी मैया कहती थी, ना जाने जसोदा ने क्या कर दिया है, इसको कैसे रखा है, जसोदा ने इसको बिगाड़ दिया है, मैंने इसका लालन पालन पोषण नहीं किया, पता नहीं वो कैसे रखती होगी, ये क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, अब मुझे तो पता भी नहीं है इसका कैसा स्वभाव है। जीवन भर जसोदा ने पाला है, उसको पता रहेगा कि जी कैसा नटखट है, ये क्या खाता पीता है, कैसे रहता है, मैं इसको कैसे प्रसन्न करूं। मैया चिंता करती है। उधर गोपियां रोज इंतजार करती हैं। ग्वाल बाल सवेरे ही रास्ते पर आकर के बैठ जाते हैं कि आज हमारा कन्हैया आता होगा। गोपियां रास्ते पे आकर बैठ जाती हैं, आज हमारा सांवरा आता होगा, परसों के वचन दे करके गया था, बरसों बीत गए। ग्वाल बाल आ जाते रोज सवेरे आकर के बैठ जाते, संध्या को चले जाते, आज नहीं आया कल ले आएगा, आज नहीं आया कल ले आएगा। एक दिन वो कहने लगे, लाला आ जा, अब तो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। कहने लगे, हो बड़ी देर भई नंद लाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला, हो तेरी राह तक and
ब्रज में क्या हो रहा है, गोकुल में क्या हो रहा है, वृंदावन में क्या हो रहा है, तुम्हें पता है तुम्हारी मैया कैसी है? तुम्हारी मैया ने जब से तुम आए हो ना तब से कुछ खाया पिया नहीं है, वो सदैव रोती रोती रहती है। तुम्हें पता है वो तुम्हारी गंगी गाय, वो तुम्हारी यमुना गाय, वो तुम्हारी कावेरी गाय सदैव घूमती रहती है इधर उधर, ना तो कुछ खाती है ना पीती है। उन गोपियों का हाल तुम्हें पता है, सदैव तुम्हारे विरह में रोती रहती है, कुछ खाती है ना पीती है। तुम्हारे माता पिता कैसे, उनकी दशा क्या हो रही है, गोपी और ग्वालों की क्या दशा हो रही है। तुम्हारी गाय जा जा तुमने उसको चराया, वहां वहां वो घूमती रहती है, आंखों से आंसू बहते रहते हैं, उनकी आंखों से सदैव आंसू बहते रहते हैं। तुमने परसों का वचन दे करके आज बरसों बीत गए गोविंद। श्याम सुंदर रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू भरे आए, उठ करके महल को चल दिए। देवकी मैया ने श्याम सुंदर को थाली परोसी, अपने माता पिता की याद में श्याम सुंदर ताली को छोड़ करके मेले में चले गए। देवकी कहने लगी, पता नहीं है ये आजकल बोलता ही नहीं है, ना जाने किसके दिमाग ध्यान में रहता है, ये दुखी रहता है। उद्धव आया, देवकी ने कहा, उद्धव तू तो इसका मित्र है ना, तो तू तो पूछ ले कैसे कैसे सही रहेगा, क्या बात है ये क्यों सही नहीं रहता, ना तो किसी से हंसता है ना बोलता है, माँ के सामने एक पुत्र सही प्रसन्न ना रहे तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, बहुत दिनों में तो मैंने इसको पाया है फिर भी ये मेरे सामने सही नहीं रहता, पूछ उद्धव क्या बात है। उद्धव चला गया और कहा, प्रभु क्या बात है। श्याम सुंदर कहने लगे, उद्धव मुझे माता पिता की याद आती है, तुम्हारे मुख पे से ऐसा उदासीनता कैसे। तब कहने लगे, मोगे ब्रज बिसरत नाही, ओ मोगे ब्रज बिसरत Thank you.
Thank you.
Thank you.
आपके लिए खड़े आरती का।